विद्यार्थी हो या आम आदमी, सभी का सोच हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जब तक सोच ऊंचा नहीं होगा तब तक आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक जंगल में एक बाज रहता था और वह बाज एक घोंसला में 4 अंडा दिए थे। एक दिन अचानक होता यह है कि अचानक आग लग जाते हैं जंगल में, अचानक आग लग जाते हैं। वह बाज जो है अपने अंडे को बचाने के लिए वह चांगुर में पकड़ लिया 4 अंडे को और उस जंगल से उड़ गया, और उड़ते 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 जो है एक दूसरे जंगल में दिखाई दिया एक कौवा की घोंसला। वह जो है सोचा हम कहां अभी घर बनाएंगे, उस घोंसला में जो अपना अंडा रख दिया और बाज वहां से चला गया। लेकिन जब कौवा आया बाद में तो कौवा का पहले से उसमें अंडा 4 थे, लेकिन जब कौवा गिनती करते हमारा अंडा कितना है नहीं है, उस गिनती क्या तो 8 हो गया, फिर से गिनती क्या फिर 8, फिर से गिनती क्या फिर 8, फिर से गिनती क्या फिर 8 के 8 अंडा था। कौवा जो है ना सोच में पड़ गया, लगता है हमें ही गिनती में पहले दिक्कत हो चुका था, हमारे अंडा जो है ना 8 ही थे। फिर धीरे धीरे वह 8 अंडे को जो है ना देखभाल करते रहा करते रहा, लास्ट में 8 अंडे से क्या निकला, जो उसमें से बच्चे निकला यानी चूजा निकला, और वह चूजा जो है ना एक साथ बड़ा होने लगा, एक साथ बड़ा होने लगा, धीरे धीरे सब बड़े हुआ। जब सभी को उड़ान भरने का टाइम आया तो कौवा जो है सभी बच्चे को लेकर के गया खुले मैदान में, चलो अब यहां से उड़ान भरो, अपना उड़ान भरो। तो क्या करते हैं, कौवा की जो बच्चा था ना वह नीचे नीचे उड़ रहा था, लेकिन जो बाज के बच्चे थे वह पूरे आसमान में चला गया। फिर कौवा ऊपर गया, उसको लोल से मारा उसके जो है मस्तक पर, कहा नीचे चलो, अपने लोगों को जो है ना इतना ऊपर उड़ने की क्षमता नहीं है, ये जो है बड़े बड़े पक्षी का, बड़े बड़े पक्षी की है। वह यहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि यह बांस का बच्चा सोचने लगा कि हम भी जो है कौवा की ही बच्चा है। तो फिर दूसरे दिन यही हुआ, तीसरे दिन वही हुआ, हर रोज जो है वह कौवा उसको उसी तरीके से नीचे लाते थे। एक दिन जो है जब बड़े हो गया सभी चूजे, तो लास्ट में जो है कौवा बोला जाओ सब अपना अपना जो है उड़ान भरो। उस दिन जो है बाज के एक बच्चे गया उस उड़ान भरने के लिए, और कौवा के जो है बच्चे भी गया उड़ान भरने के लिए। उसमें से होता यह है, उसमें से होता यह है कि जब सब उड़ान भरने लगा, जब सब उड़ान भरने लगा तो कौवे की जो बच्चा सब थे ना वह नीचे नीचे उड़ रहा था। उस दिन कौवा यहाँ पर नहीं गए थे, और जो बाज का बच्चा था वो पूरे आसमान छू लिया, पूरे चला गया ऊपर, क्योंकि उसको सोच ऊंचा रहता है, वो ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, चला गया ऊपर। उसको एकाएक ध्यान आया ऊपर में जाकर के, ओ माय गॉड, इतना ऊपर उड़ने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, ये तो यहाँ पर बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं और हम तो एक कौवा के बच्चा है, हम इतना ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो उसको पंख काम करना बंद कर दिया, उसके दिमाग में बैठ गया कि इतना ऊपर हम उड़ नहीं सकते हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया, पूरी बंद कर दिया, और उसको पंख काम करना बंद कर दिया। यहाँ से धड़ से नीचे गिरा, धड़ से नीचे गिरा और मर गया। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को या किसी को भी सोच जो है ना कम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको यह सिखाना चाहिए तुम ये काम कर सकते हो, हौसला उसको देना चाहिए तुम ये काम कर सकते हो, और वह बड़ा होकर के निश्चित ही यह काम कर सकता है। इसीलिए कभी भी किसी के सोच को मत बांधो और नहीं बांधने की कोशिश करो। इसी तरीके से हर विद्यार्थी को सोच हमेशा ऊंचा होना चाहिए, पढ़ने से पहले अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें बड़े होकर के, हमें पढ़ लिख करके क्या करना है, क्या बनना है, उसके पीछे उसको मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है। जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा, जब तक उसका सपना साकार नहीं होगा, तब तक जो है वह संघर्ष करते 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 रहना है, और अपना मंजिल को एक दिन हासिल करके उस देश वालों को, उस जो है अपने गाँव वालों को दिखा देना है कि हम भी यह काम कर सकते हैं और कर